नमक नमक लेबा ठीक मत हम गरीबों के साथ हमेशा करेंगे और आगे भी बराबर ये कार्य जारी रखेंगे। सिर्फ यही नहीं, ये पकड़ाइए सुमित भैया मेरे पास ऐसे नहीं सबको मौका मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने वादा किया था कि हम लोग कंबल वितरण करेंगे। आइए आप फोटो ले रहा है कि नहीं फोटो कहाँ कोई नहीं ले रहा देख सकते हैं आप महान पूर्णा कमेटी किचन के द्वारा कम्बल वितरण का कार्य हो रही है। खाना वितरण के साथ साथ भी कम्बल का वितरण भी हो रही है। अधिकारीगण अपने कार्य को सिद्ध करते हुए जो गरीब है जो निशे आसाय है जिनके पास सामर्थ्य नहीं है अपना सामर्थ्य सभी लोगों को कम्बल वितरण का यहाँ देख रहे हैं महान पूर्णा जो वादा है जो खाते हैं उसी खिलाते हैं उसी क्रम में आज बहुत ही अच्छी पहल है इन लोगों को जिनका खाना दादा के द्वारा गौरव भैया देख सकते हैं आप माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के द्वारा और आज दिन में भी दोबारा खाना दिन में भी खाना वितरण का चल रही है और साथ साथ कम्बल वितरण भी हो रही है गरीब निस्सहाय मैं आपको बताना चाहूँगा को आज की जो भोजन वितरण का कार्य है वो हमारी सुपुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे उन्होंने ये भोजन का आयोजन करवाया नमस्कार जयनगर लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जयनगर की बहुचर्चित संस्था है जिसके काम के संस्था के चारों ओर है माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन। आज माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में भोजन वितरण के साथ साथ कंबल वितरण का भी कार्य कर रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में अपने संस्था के लोगों के द्वारा गरीब लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण प्रदान किया जा रहा है और हर साल ये संस्था पिछले दो सालों से करती आ रही है। ये तीसरा साल है, पहले साल थोड़े कम स्तर पे हुआ था, पिछले साल बृहद स्तर पे हुआ था और इस साल भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में लगभग 50 से ऊपर लोगों को कंबल दिया गया है और सभी लोगों को भोजन करवाया जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में और कंबल भी दिया जा रहा है और वस्त्र वगैरह भी दिया जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में।
माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन खाना के साथ साथ सभी लोगों को आज अंग वस्त्र भी दिया है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इन तस्वीरों में, आइए हम जुड़ते हैं संस्था के लोगों से और एक एक कर संस्था के लोगों से बात करते हैं। सर सब सर माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के तरफ से आपको देख रहे हैं, आज कंबल वितरण में आप हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस संबंध में, ये बताइए। कंबल वितरण किए हैं आज, खाना तो रोज ही वितरण करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कंबल वितरण किए इस संबंध में? इस संबंध में ही कहना चाहेंगे कि ठंड का समय था, गरीबों लोग को ठंड के बचने के लिए कंबल मिला और साथ में भोजन भी हुआ, भोजन भी मिला, सभी सुविधा काम होना चाहिए बच्चों के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी देख रहे हैं इस कंबल वितरण में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कंबल वितरण करके, गरीबों में दान देना बहुत ही अच्छा नेक कार्य है और ऐसे ही हमारी संस्था की कमेटी सब इसी तरह दान देती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, संस्था के संरक्षक और सबसे एक्टिव मेंबर भी हैं सुरेंद्र महतो, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 8 नंबर वार्ड से भावी वार्ड पार्षद है, चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कहना है आपका? आज आपकी संस्था ने कंबल वितरण किया, पिछले 2 सालों से कर रही है, 3रा साल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि आज जो हम लोग कर रहे हैं कंबल वितरण का काम, आज जो है प्रथम दिन है और हम लोगों ने कम से कम 50 से ज़्यादा कंबल का वितरण किया है और फिर अगले मंगलवार को सोमवार को हम लोग 50-100 कंबल बांटने का काम करेंगे। ये कंबल बांटने का काम हम लोगों का एकदम प्रत्येक साल करने मतलब करते हैं और आगे भी करने का कोशिश करेंगे। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और बात करते हैं, इसी संस्था के संरक्षक हैं और सदस्य भी हैं। सर आज आप भी आए हैं, माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन ने 50 से ऊपर के कंबल वितरण किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस संस्था के बारे में? यह संस्था बहुत ही सुंदर है और इस संस्था के जो भी सदस्य हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनकी सोच बहुत ऊपर तक है, कंबल तक ही सीमित नहीं है और टीकाकरण तक ही सीमित नहीं है, इसका भविष्य जो है उज्ज्वल भविष्य, संस्था की सोच जो है बच्चे की पढ़ाई पर अगला है और बहुत कार्यक्रम हम देख रहे हैं जो हमेशा सदैव अच्छा हो रहा है, सब जगह प्रशंसा का विषय बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं उनसे, क्या कुछ उनका है कहना। सर आज आप भी आए हैं कंबल वितरण में, क्या कुछ कहना है आपका? ये तो बहुत नेक कार्य है, इस कार्य के लिए जितना भी मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं बचा, बहुत ही नेक कार्य है और ऐसे ही ये संस्था करती रहे, आगे भी करती रहे, इसके लिए हम से जो भरसक प्रयास काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं, इसी संस्था के एक युवा सदस्य हैं, समाज सेवी में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, राम जी क्या नाम है आपका? परिचय तो हमने दे ही दिया है, आप इस संस्था के बारे में बताइए और अपना जो कार्य आप लोग कर रहे हैं आज क्या सब किया है ये बताइए। मेरा नाम रामजी कुमार हुआ, ये माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के तरफ से रोज़ लंगर लगाए खाना खिलाया जाता है, साथ में अभी देख रहे हैं कि कंबल वितरण का भी कार्य हो रहा है, ये बहुत अच्छा कार्य है, आप जितना दान कर सकते हैं इसमें दान कर सकते हैं, किसी को देने से कुछ घटता नहीं है कभी, भगवान हमको उतना दे कि हम लोग गरीब लोग को दे दें, आप लोग के संस्था की तरफ से अगर कुछ देने का अगर इच्छा करता है तो इसमें आके खाना खिला सकते हैं, हम लोग भी करते हैं सहयोग, इसमें योगदान आप लोग भी कर सकते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद आपका। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी लोग भोजन कर रहे हैं, खाना कैसा रहता है, खाना बढ़िया रहता है? चलिए इस संस्था के एक और सदस्य से बात करते हैं, सबसे एक्टिव मेंबर है और संस्था में पदेन सदस्य भी हैं, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। लक्ष्मण यादव, युवा समाज सेवी जयनगर। आपकी संस्था ने आज कंबल वितरण भी किया है, रोज खाना भी खिलाते हैं, कितने दिन हो गए और कितने कंबल बांटे और कब से कर रहे हैं ये सब बताइए। सबसे पहली बात ये जयनगर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी संस्था तो पिछले 1.5 वर्षों से यह काम निरंतर करते आई है, शाम में गरीब निसहाय लोगों को खाना खिला रही है और पिछले 1 सप्ताह से हम लोग 2 टाइम खाना खिलाते हैं, दोपहर के साथ साथ शाम में तो खिलाते ही हैं और आज हमारी टीम ने पहली बार अभी इस ठंड में कंबल वितरण की है, जो कुल अभी तक 60 व्यक्तियों के बीच कंबल वितरण की गई है, कंबल के साथ साथ उन्हीं वस्त्र भी वितरण की गई है, जो हमारे जयनगर के लोगों के लिए ये हम उन लोगों से मदद चाहते हैं कि हम वर्कर का हमको मदद करें। बहुत धन्यवाद आपका। आइए देखिए इन तस्वीरों में देखिए, जैसा कि एक वूलन वस्त्र है जो अभी संस्था के सदस्य के द्वारा दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
सदस्य के द्वारा, तो इसीलिए ये संस्था निरंतर अच्छे कार्य करती आ रही है और अच्छे कामों में लगी रहती है। आइए फिर से इनसे जानते हैं सर, मतलब संस्था के बारे में कुछ बताइए, संस्था जो काम कर रही है वो क्या है, कैसे है? के बारे में कुछ बताना सूरज को दिए दिखाना है, जैसा कार्यक्रम हो रहा है और मैं भी प्रिंसिपल अंबेडकर स्कूल गरीब बच्चों को शिक्षण दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है जो अवर्णनीय है। आज जैनर की धरती पर कार्यक्रम संस्था लोग बहुत चला लेंगे, इस ढंग का संस्था एक भी नहीं है मेरे अनुभव में, मेरे मैंने विचार में, मेरे देखने में आता है। मैं प्रिंसिपल अंबेडकर स्कूल जयनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस संस्था के एक और सबसे मजबूत स्तंभ कहने जाने वाले गौरव सिन्हा जी, गौरव सर हैं हमारे भाई, क्या सब हैं वो खुद अपना परिचय बताएंगे। सर परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्य को इस तरीके से जो कार्य को करा है और निरंतर ये 521वां दिन है आज हमारा, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस संस्था से जुड़ा और जो एक कार्य है अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए सोचने वाले बहुत कम हैं, तो ऐसे सोचने वाले जनमानस के लिए मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी इस कार्य में हिस्सा लें ताकि हम ये कार्य जो है निरंतर यूँ ही इसी तरीके से बढ़ाते रहें। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन सभी गरीब लोगों को लंगर लगा कर रोज़ ही भोजन कराया जाता है और रोज़ ही ये लोग यहाँ पे आते हैं, भोजन करते हैं मानपूर्णा कम्युनिटी के दिन के द्वारा। आइए इस संस्था के कुछ और युवा सदस्यों से बात करते हैं, क्या कुछ है उनका कहना। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं हर्ष कुमार हूँ, मानपूर्णा कम्युनिटी किचन का सदस्य हूँ। रोज आप आते हैं, भोजन वितरण करते हैं, आज देख रहे हैं दोपहर में भी भोजन वितरण किया और कंबल गर्म कपड़े सब क्या सब हुआ है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। आज है दादा के मदद से भी दिन में भी खाना वितरण का कार्य हम लोग शुरू किए हैं आज, और आज मानपुरा कमेटी सदस्य के द्वारा भी कमल का वितरण शुरू हुआ, आज से शुरू हुआ है और आगे भी जारी ही रहेगा। बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और युवा सदस्यों से बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोनू पुरदेव हुआ, मैं अन्नपूर्णा कमेटी का एक सदस्य हूँ। जो संस्था आपकी कार्य की है बहुत ही उमदा और बेहतरीन कार्य, जयनगढ़ लाइव आप सभी के कार्यों को सराहना करता है। आज आप लोग क्या सब किए हैं ये बताइए। आज हम लोगों ने दोपहर का खाने का वितरण किया और साथ ही में ही जिन निसहाय लोगों को कंबल की जरूरत है उन सारे लोगों को ठंड के मौसम को देखते हुए उन सारे आदमियों को कंबल लेके एक वितरण दिए हैं, जो कि हर एक सीजन में हम लोग करते हैं हर एक साल, और इसी आने वाले समय में भी हम लोग का उम्मीद है कि इससे बेहतर करें। जो दाता हम लोग को मिलते हैं, हम लोग दो तरह का खाना वितरण करते हैं, पहले हम लोग रात में करते थे, अब हम लोग को एक दिन में दो दाता मिलता है तो हम लोग उसी दिन पर एक दिन रात को करते हैं, जैसे दिन में भी खाना मिल जाते हैं गरीब को और रात को भी मिल जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और बात करते हैं, क्या कुछ है उनका कहना। इसी संस्था के कुछ और युवा सदस्य से बात करते हैं। चलिए वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। आइए संस्था के संरक्षक हैं जो अपना बताएंगे कि संस्था के बारे में। सर आप वार्ड पार्षद भी भूतपूर्व रह चुके हैं, इस संस्था के संरक्षक भी हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस संबंध में बताइए। आपकी संस्था जो नेक कार्य कर रही है क्या सब है जानकारी दीजिए, बताइए क्या जानकारी दे। सभी लोग तो देख ही रहे, आज दिन तो कितना दिन है, 522वां दिन है आपका, 522वां दिन है और निरंतर ये जारी रहेगा। आज आप लोगों ने एक कुछ गर्म कपड़े और कंबल भी बांटे, क्या है ये संबंध में जब जो सहयोग मिला उसी के दरमियान बांटा गया इसका, और भी सहयोग आएगा और भी वितरण किया जाएगा। बहुत यही है, बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि ये सभी लोग हैं, गरीब असहाय निसहाय लोग हैं, ये सभी लोग आते हैं यहाँ और रोज़ ही भोजन वितरण करते हैं। खाना कैसा बना है, खाना कैसा है, अच्छा है, बढ़िया है खाना, रोज खाते हैं, तरुआ है, सब्जी है, भात है, दाल है, कचौड़ी है, सब कुछ बढ़िया खाना खिलाते हैं। चलिए आज आज आपको क्या कंबल भी मिला है संस्था की तरफ से, कमल बाबू मिल गया। मंगलवार बहुत 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 बढ़िया। तो माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ आती है और रोज ही इन लोगों को भोजन वितरण कराती है। आइए एक और युवा सदस्य से बात करते हैं, क्या नाम है आपका, नाम बताइए। आपकी संस्था लगातार कार्य करती है, अच्छे अच्छे क्या सब काम कर रही है, आज कम्बल अम्बल भी बांटे हैं, क्या है इस संबंध में बताइए। कम्बल बांटने में हम लोग सहयोग रहता पहले से ही,
और बराबर हर बार काम कराते हैं। अच्छा काम, बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए जोड़ते हैं इस संस्था के जो उन्मूलक हैं, उत्प्रेरक हैं, जो इस संस्था को तस्वीर में ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा, उनसे जुड़ते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। हमने आपके सभी सदस्यों से लगभग बात किया है, अब आपसे बात करेंगे, अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार राउत है और सबसे पहले धन्यवाद आप यहाँ आए। और हम लोगों ने एक नई पहल की शुरुआत की थी कुछ दिन पहले कि अगर दो दाता हम लोग को मिलेगा मानपूर्णा के आशीर्वाद से, तो हम लोग दिन में भी और रात में भी जो हम लोग अपने नियत समय पे खिलाते हैं उसी तरह दिन में भी हम लोग खाना खिलाएंगे। और उसी क्रम में आज भी हम लोगों को दो दाता मिला था मानपूर्णा के आशीर्वाद से, तो हम लोग दिन में भी खाना खिलाए हैं। और साथ में ही ठंड जो शुरू हो गया है तो हम लोगों ने आज अपने पहले चरण का कम्बल वितरण अपने कर्म स्थल कर्म भूमि पे स्टेशन परिसर में आज देने का काम किया है। जो सहयोग हम लोग अपने मानपूर्णा के जितने भी सदस्य हैं उन्हीं लोगों से लेकर ये दिया गया है, किसी से भी चंदा अभी बाहर से नहीं लिया गया है, ये मानपूर्णा के सदस्य के द्वारा ही हम लोग मिलाकर कंबल वितरण यहाँ किए हैं। और आगे भी मानपूर्णा हर एक तरह की सामाजिक काम करती रहेगी, ये मानपूर्णा का जो वादा है, जो खाते वही खिलाते हैं, खावा नहीं करते। आज आप लोगों ने कंबल के साथ गर्म कपड़े भी वितरण किए हैं, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? हम लोगों ने पूरे जयनगर में प्रचार किया है कि जिनके पास छोटे पुराने कपड़े हैं वो दें निसंकोच, हम लोग उसको सही जगह सही लोगों को देंगे ताकि वो ठंड से बच सके और गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर सके। आगे भी इस प्रक्रिया को हम लोग पूरे ठंड जारी रखेंगे और गांव-गांव जाकर लोगों को चिन्हित कर विकलांग हो, बूढ़े हो, अपाहिज हो, जो एकदम कमाने में असमर्थ हैं उन लोगों को दिया जाएगा। पिछले साल भी हम लोग करीब 600-650 कंबल बांटे थे, इस बार उम्मीद है 1000 से ऊपर कंबल वितरण किया जाएगा मानपूर्णा के आशीर्वाद से। बहुत 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 धन्यवाद और आभार आपका। आइए जुड़ते हैं कुछ और सदस्यों से। मानपूर्णा कम्युनिटी किचन ने आज कंबल वितरण भी किया है, नई पहल के तहत जो है आप लोगों ने दो समय भोजन वितरण करना शुरू किया है, अगर दाता की सुविधा हो तो। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने संस्था के बारे में ये बताइए। तो ये कि मानपूर्णा कम्युनिटी किचन बहुत अच्छे काम कर रही है कि हम लोग उसके सदस्य हैं, हम लोग गौरवित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग उसके सदस्य हैं और ये चीज़ करके ठंड में गरीबों को खाना खिला और कंबल वितरण करना, ये बहुत अच्छी पहल है, आगे भी ये जारी है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आइए जुड़ते हैं संस्था के कुछ और सदस्यों से, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे संस्था के सबसे सम्मानित सदस्य हैं, कई बार विधायकों द्वारा सम्मान मिल चुका है इनको हमारे कार्यक्रम में। हमारे संस्था के सबसे मजबूत अंग है, हमारे कर्मधार हैं, सूत्रयोगी हैं सुनील कर्ण जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस संस्था के बारे में? मैं तो पहले मानपूर्णा कम्युनिटी किचन का तहे दिल से आभार देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो भी कार्य हो रही है सदस्य के द्वारा की गई है और होती ही रहेगी। ये आज पहला राउंड था जो प्रथम चरण में हम लोग कम्बल वितरण किए हैं। हम लोग यह सोचेंगे और कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि इसे जो है दूसरे चरण में भी तीसरे चरण में भी किया जाए सदस्यों के द्वारा। आप लोगों की सहायता की जरूरत है, आगे बढ़ें, मानपूर्णा कमेटी का साथ दें, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आइए इस संस्था के कुछ और सदस्यों से बात करते हैं। आपको देखते हैं रोज ही आते हैं भोजन वितरण करते, दीजिए उनको भोजन भी दे दीजिए साथ साथ में, दोनों काम एक साथ होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लोग तत्पर रहते हैं, हर रोज ही यहाँ आते हैं भोजन कराते हैं। आइए इस संस्था के एक और सदस्य से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ MD असगर। आप भी आते हैं इस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में ये बताइए। संस्था के बारे में ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हर रोज हम लोग आते हैं और गरीब लोगों को खाना वितरण करते हैं अच्छे से। हम लोग का यही सोच है कि अच्छा से अच्छा खाना इन लोगों को वितरण करें। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आइए इस संस्था के एक और सदस्य चलते चलते जल्द से जल्द बात कर लेते हैं। क्या परिचय हुआ आपका, नाम बता दीजिए। जी मैं मोहम्मद शाहिद। और देखते हैं आप भी आते हैं रोज़ यहाँ पे और भोजन वितरण करने में मदद भी करते हैं और अन्य लोगों को भी जिसका जन सहयोग होता है वो किया करते हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस संस्था के और सब? जी ये संस्था बहुत दिनों से चल रहा है, करीब 550 दिन पूरे होने वाले हैं और ये संस्था हम लोग यहाँ पे गरीब लोगों को खिलाने के बाद अजीब सी खुशी मिलती है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं अभी तक। मैं इतनी बातें जरूर गिराना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये सभी लोग आए हैं और फिर से भोजन कर रहे हैं। क्या खाना अच्छा है, बढ़िया है, गर्म रहता है खाना, रोज़ खाते हैं खाना, बढ़िया खाना खिलाते हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि ये लोग आते हैं यहाँ और रोज़ ही भोजन वितरण करते हैं और रोज़ ही खाना खिलाते हैं। और आज आप लोगों ने जैसा कि देखा, ये संस्था में
सब कुछ हुआ है। आइए अभी संस्था के मतलब प्रमुख और अंतिम वक्ता से हम बात कर लेते हैं, संस्था के संरक्षक भी हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार राव, संस्था के संरक्षक हैं, संस्थापक में। और कैसे आप लोग का क्या कार्यक्रम रहा है, कैसे काम करते हैं, क्या कुछ है ये बताइए। मान पूर्णा कमेटी विगत दिनों से जो कार्य कर रही है, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि जितने कम समय में और जितने एंगल को लेकर के चली है, ये बहुत बड़ी तारीफ है। मेडिकल कैंप, कम्बल वितरण, स्वास्थ्य कैंप, गरीबों के बीच खाना वितरण कंटिन्यू, एक पहले एक एक दिन में होता है, अब एक दिन में दो दो बार, अभी देख रहे हैं अभी दिन में 2 बजे हो रहा है, फिर शाम में भी होगा। तो ये संस्था के युवा पीढ़ियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस भार को उठाया, और आशीर्वाद देता हूँ कि आगे भी निरंतर बढ़ती रहेगी, संस्था फूलेगी फलेगी और आगे भी चलेगी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल जयनगर लाइव आपसे विदा लेता है, और फिर किसी नए और पुनीत कार्य में या किसी अन्य जगह पर फिर से हम अपनी लाइव का सेशन शुरू करेंगे। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद।